खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। अब जनता करेगी फैसला, अब जनता की बारी है। खबर 7C की चुनावी परिचर्चा लगातार जारी है। नमस्कार, मैं सुजल अग्रहरी, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। महाराजगंज जनपद नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पुंदरपुर में आज खबर 7C की टीम द्वारा किया गया 2022 का चुनाव पड़ता, किसकी बनेगी सरकार, जनता ने कही है बड़ी बात। महाराजगंज जनपद नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पुरंदरपुर में आज खबर 7C की टीम द्वारा किया गया 2022 के चुनाव का पड़ताल, बनेगी किसकी सरकार, जनता ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्रीय विधायक अशोक जायसवाल विधायक पद के प्रत्याशी हैं, इन्हीं को करेंगे हम वोट। भाजपा से कोई भी आकर नया चेहरा उसी को किया जाएगा और अब की बार बनेगी 2022 में भाजपा की सरकार, ऐसा ग्रामीणों ने कहा। समय मौजूद है महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत आता है ग्राम पुरंदरपुर। अब पुरंदरपुर में आइए हम जानते हैं 2022 को चुनाव के लेकर के लोगों में किस तरह की उत्साह की लहर है, जबकि यहाँ पे अपने अपने पार्टी के कई विधायक हैं जो अपने अपने डंका बजा रहे हैं कि मेरी जीत होगी, मेरी जीत, मुझे टिकट मिलेगा। ऐसे में नंबर वन पे इस क्षेत्र में बताया जा रहा कि अशोक जायसवाल जी हैं। आइए जानते हैं पुरंदरपुर ग्राम सभा में महिलाओं का, पुरुषों का क्या है ओपिनियन पोल, 2022 में किसकी होगी सरकार, दिलचस्प बात होगी ग्रामीण क्षेत्रों में, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस समय एक महिला, इनसे आइए जानते हैं हम कि 2022 के चुनाव के लेके किस तरह की तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम जायसवाल है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पुरंदरपुर से रहने वाली हूं। जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2022 में सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी बता रही हैं कि मेरी जीत होगी, ऐसे में क्या लगता होगा कि कौन सी सरकार बनेगी आप? देखिए, इस समय जो है मोदी सरकार जो है इन महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधा दी है, उन्नत के रास्ते दिखाए हैं, इसलिए हम महिला जो है सभी महिलाओं का यही विचार है कि हम लोग मोदी सरकार को जिताएंगे, वोट देंगे। आपके क्षेत्रीय विधायक जो है विधायक पद के प्रत्याशी अशोक जायसवाल हैं, वो काफी जो है कुछ मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काफी दिनों से लगे हुए हैं, जिनके साथ सभी जातियों के लोग जुड़े हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग भी अधिक से अधिक जुड़ चुके हैं। ऐसे में उनको दावेदारी है, टिकट मुझे मिल रहा है, ऐसे में आपके क्षेत्रीय विधायक अशोक जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? अशोक जायसवाल जी की तरफ से हम लोग सभी लोग हैं, वो जीतेंगे, और मुस्लिम या और पार्टी या और कोई क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा और हमारी महिलाओं का उद्देश्य है यही है, अशोक जायसवाल के तरफ से हम लोग वोट देंगे। जी, ये हमारे साथ जुड़ी थी, इनका कहना ये था कि अब की बार भी भाजपा सरकार ही बनेगी, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसी योजनाएं लाए हैं, बहुत सारे ऐसी नौकरियां जो चल रही थी उसमें उन्होंने विकास किए हैं, उनके मांगों को पूरा किया है, इसलिए इनके कहने का तात्पर्य है कि भाजपा की सरकार बनेगी। आइए इसी कड़ी में जुड़ते हैं, एक मौजूद हैं, इनसे आगे जानते हैं कि 2022 के चुनाव के लेके किसकी सरकार बनेगी, क्या रणनीति होगी, 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगती है आपको? भाजपा की सरकार बनेगी। भाई, इतना भाजपा भाजपा कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कौन सा विकास हुआ है आपको देखने में? भाजपा में बहुत खूबी है। जी, भाजपा में इन्होंने कहा भाजपा में बहुत खूबी है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका? आपके विधानसभा से अशोक जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं और ऋषि त्रिपाठी जी भी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा की दावेदारी करें मुझे टिकट मिलेगा, अगर ऐसे में भाजपा की टिकट अगर अशोक जायसवाल को मिलती है तो कैसा रहेगा आप लोग का ओपिनियन? जायसवाल हो चाहे कोई हो, अनपढ़ हो, लेकिन अगर भाजपा से जो भी आएगा हम लोग भाजपा को। जी, इनके कहने के तात्पर्य यह है कि केवल झंडा कमल का होना चाहिए, व्यक्ति कोई भी हो मैं वोट उसी को करूँगा। 2022 चुनाव के तिथि निर्धारित हो चुके हैं, आचार संहिता लागू हो चुका है, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया तेजी से सरगर्मी है हर पार्टियों का, ऐसे में क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी फिर से दोबारा 2022 में, फिर कमल खिलेगा, पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आपके क्षेत्रीय विधायक पद के प्रत्याशी अशोक जायसवाल के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? अशोक जायसवाल जी अब की बार यहाँ से 2022 में विधायक बनेंगे। क्या उन्होंने क्या उनका क्या मुद्दा है इसमें, विकास का मुद्दा है या ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कौन से कार्य कर रहे हैं, किससे आप लोग प्रसन्न हैं, उनके किस कार्य से आप लोग प्रसन्न हुए हैं? अशोक जायसवाल के व्यक्तित्व व्यवहार बहुत सही है जी, हाँ, और कार्य भी बहुत अच्छा करते हैं, सबके सुख दुख में हमेशा बराबर आते जाते हैं और बहुत ही अच्छे आदमी है वो। 2022 के चुनाव में
विधायक पद के प्रत्याशी जो अशोक जायसवाल हैं, इनको क्या कह रहे हैं आप इसके बारे, उनके बारे में? ये अब की बार विजय होंगे जी, बीजेपी से टिकट पा लेंगे और जो है अब की बार विधायक बनेंगे 2022 में। क्या नाम है आपका? अब बैठ के आग ताप रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, इस चुनावी प्रक्रिया में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सभी पार्टियां अपनी भी दावेदारी बता रही हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। आपका वोट देने का ओपिनियन किस पार्टी को है? भाजपा को। सरकार किसकी बनेगी? कसके बोलिए, ये कह रहे हैं आपके क्षेत्र के विधायक पद के प्रत्याशी अशोक जायसवाल, इनके बारे में क्या ख्याल है जो भाजपा से उठ रहे हैं, क्या ख्याल है? वोट उनको करेंगी आप? हाँ। जी, और भाजपा सरकार के विकास कार्यों से क्या आप खुश हैं? ठीक, हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पुरंदरपुर की रहने वाली हैं। आपका विधानसभा नौतनवा है और जबकि यहाँ विधायक पद के प्रत्याशी अशोक जायसवाल जी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को जान रहे हैं और विकास के मुद्दे के लिए वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं कि हम जीतेंगे, तरह तरह से विकास करेंगे। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने कार्यों को गिना रही हैं और वर्तमान सरकार भाजपा भी है इसमें शामिल। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार 2022 में सरकार बनाएगी? इस बार आप लोग वोट किसको कर रही हैं? इस बार हम लोग देंगे बीजेपी को। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बना ली जाएगी? हाँ, हमको विश्वास है कि वो सरकार बनेंगे जी। उनके कार्य अच्छे रहे? हाँ, उनके कार्य अच्छे हैं। ठीक, 2022 का चुनाव आ गया है जबकि चुनाव की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है, ऐसे में किसकी सरकार बनेगी, आप लोग का क्या सोच है? हमारा सोच यही है कि मोदी को जिताना है, योगी को जिताना है जी। हाँ, उसके बाद अशोक जायसवाल को जिताना है जी। आपके क्षेत्रीय विधायक अशोक जायसवाल जी है, काफ़ी गांव में भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की सहायता कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग का वोट किधर जाएगा? सब जाएगा हमारा भाजपा की तरफ, अशोक जायसवाल की तरफ जाएगा वो। उनको भारी बहुमत से बजी बनाना है। ठीक। आपका? केसरी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? पुरंदरपुर। 2022 का चुनाव करीब आ गया है, चुनाव की तिथि निर्धारित हो चुके हैं, ऐसे में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी, समाजवादी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, अन्य पार्टियों की, किसकी दावेदारी है? भाजपा की। भाजपा के क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं कि जो आपको लगता है कि भाजपा को ये वोट देना चाहिए? बहुत कुछ दिए हैं जी भाजपा जी। आपके क्षेत्र के विधायक पद के प्रत्याशी अशोक जायसवाल भी विधायकी पद के प्रत्याशी हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आप लोग का? बहुत अच्छे हैं, हम लोग उन्हीं का वोट देंगे। अच्छा अच्छा, आपका हाल जानने ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं वो अशोक जायसवाल? आते हैं कभी कभी जी। यानी आपके नज़र में सरकार किसकी बनेगी अब की बार? भाजपा की। वोट किसको करेंगे आप? कमल फूल को। ठीक ठीक ठीक।